प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWNU। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आए हम आपको एक ऐसे माता पिता से रूबरू कराते हैं जो अपने ही बेटे बहू द्वारा प्रताड़ित किए गए। ये घटना मुंबई के सटे नवी मुंबई तलोजा मेट्रोपॉलिश को हाउस सोसाइटी प्लॉट नंबर 5-6-7 सेक्टर 14 फेस एक की है, जहां पर एक माता पिता को अपने बेटे बहू द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। माता पिता के अनुसार बेटा पिता के पैसे से पिता को धोखा देकर अपने नाम पर फ्लैट घर करवा या ये बात कई सालों बाद तब पता चला जब बेटा बहू द्वारा माता पिता को प्रताड़ित करते हुए माता पिता ने अपने बहू के जवान से ये सुना, घर का पेपर तो मेरे पति के नाम पर है, तुम लोगों को इस घर से जाना होगा। इसके अलावा भी कई गंभीर आरोप माता पिता ने बेटे और बहू पर लगाया। वही मेट्रोपॉलिश को हाउस सोसाइटी के लोगों से हमें पता चला, बेटे और बहू नशा का व्यापार करते हैं। बेटा और उसका बेटा बिल्डिंग की टेरेस पर जाकर नशा करते हैं। हद तो तब हो गई जब बिल्डिंग की टेरेस पर इन लोगों ने आग लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट SWNews। मैं संगीता ठाकुर और मेट्रोपॉलिश बिल्डिंग इसकी सचिव हूँ। और शम्मी आलम और उसका परिवार कम से कम 10-11 साल से इस बिल्डिंग में रहता है, तो उन्होंने कभी इतने तकलीफ हमको दी नहीं, लेकिन पिछले 2-3 सालों से वो बार बार सोसाइटी को तकलीफ दे रहे थे। वॉचमैन को दादागिरी करना, ऊपर आग लगाना, अश्लील वर्तणूक करना, तो वो सोसाइटी बार बार उनके मम्मी को आगाह भी कर रही थी कि ये जो आपका बेटा है जो चरस गांजा ऊपर जाके भी पी रहा था टेरिस के लॉबी में, हाँ ड्रग्स और चरस गांजा लेते हैं, वो नाक से ड्रग्स खींचते हैं, तो वो जाके ऊपर करते थे ये सब। इसका कंप्लेंट आपने कभी पुलिस स्टेशन में किया? पुलिस स्टेशन में मैंने 2 नोटिस एप्लीकेशन दे चुकी हूँ कि इन्होंने ये सब करते हैं और ड्रग्स भी देते हैं, वो कर चुके हैं और वो अरेस्ट भी हो गए थे। 3 महीना वो जेल में भी थे अभी ड्रग्स के मैटर में, वो 3 महीना बाद में छूट गया। वो ड्रग्स बेचते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ ऐसा आपको कब पता चला? जब पुलिस वाले हमारे बिल्डिंग में आते थे तो वो बोलते थे मैडम सेक्रेटरी जरा नीचे आओ, तो वो हमको बोलते थे कि भाई आपके बिल्डिंग में ये रहता है क्या, तो उसका वीडियो बाकायदा हमने देखा था कि जो ड्रग्स बेचता है, तो पुलिस उसको ऊपर नीचे से खोजती थी, वो ये भाग जाता था, लेकिन बाद में उसको अरेस्ट किए, वो 3 महीना अंदर था और उसके बाद जेल काट के आया है। क्या कार्रवाई उसके ऊपर करने वाले हैं? अभी हम लोग तो पहले सबसे पहले बैंक के लेटर का इंतजार कर रहे हैं कि जिसमें हमारी सिग्नेचर है, तो बैंक हमको एक लेटर देगी और उसके अगेंस्ट हम लोग FIR फाइल करेंगे, क्योंकि इसने जो किया है 25 लाख का फ्रॉड किया है। इजी मतलब छोटी मोटी अमाउंट नहीं है और हमारे NOC पे की है, जबकि हमने उसको NOC दी नहीं। और जब हम लोग उसको बोल भी रहे थे तो मेरे पति की जॉब नहीं रखूंगा मैं, उसके ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा, तो ये जो धमकियां मुझे बार बार मिल रही थी उससे, तो उसके अगेंस्ट तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि ये मुझे धमकी दे रहा है, लेकिन और एक मैं NC तो करूंगी और प्लस सोसाइटी FIR करेगी। मैं इनसे ये मांग करूंगी कि ऐसा फ्रॉड जो करते हैं तो इनको कड़ी से कड़ी सजा दो, ताकि और नवी मुंबई पुलिस से तो मेरी रिक्वेस्ट ही है कि हमें सहायता करें कि ये सोसाइटी में जो इसने बड़ा इतना बड़ा फ्रॉड किया है तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो हमें पूरा हेल्प करें, हमें सहयोग करें। लोजा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से ये विनती है कि इसके ऊपर एक्शन ले, इसने जो फ्रॉड किया है तो इनको गिरफ्तार किया जाए। इन्होंने तो ना कि अपने माँ बाप के साथ फ्रॉड किया है, सोसाइटी के साथ भी फ्रॉड किया है, और हमें और हमारे सोसाइटी को ऐसे फ्रॉड लोगों से बचाए, ताकि कोई हिम्मत ना करे कि दूसरी बार ऐसा कुछ करे। देखिए मेरा नाम मोहम्मद नसीर खान। मैं 1986 में सऊदी गया, वहाँ से कमाता था।
मैं बड़े बेटों को बेचता था। बड़ा बेटा बोला कहे घर ले लेते हैं, हमने कहा ले लो। उसके बाद हमने पैसा भेजा, यहाँ के पता चला जब रिटर्न आया तो पता चला घर इतने नाम से अपने खरीद लिया है। इसके बाद फिर मैं बात मुझसे किया तो बोलता है लोन मिला था इसके लिए, तुम्हारे नाम नहीं होता, मैं अपने नाम दिया। बाद में फिर मैं लोन का पैसा अदा किया है, इसके बाद घर छुड़ा, रोज रोज नोटिस आती थी दरवाजे पे, कोई जाके देख ले उस पर नोटिस जहाँ लगी वहाँ निशान लगा हुआ है, समझे ना। और इसके बाद वो फिर मेंटेनेंस को मैं पैसा देता था, उसको गवाही भी है मेरे सामने, गवाही भी देंगी। हाँ मैं पैसा दे मेंटेनेंस का देता था, मेंटेनेंस का पैसा वो खा लेता था। फिर रूम बेचने के लिए मैं तैयार हुआ कि रूम बेच के इस तरह दोनों को, दोनों बेटों को आधा आधा दे दो। उसमें उसने क्या किया, उसने भी पैसा ले लिया 13 लाख रुपया। 13 लाख रुपया लेने के बाद बोलता है घर नहीं देंगे उनको। अब वो पैसा हमारे ऊपर आ गया क्योंकि हमने उससे सब बात किया था लेने वाले से, वो भी रिश्तेदार था। अब हम कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में जो होगा वो देखा जाएगा जिस हिसाब से होगा। तो कहा था कि मेरे नाम के लेने? नहीं नहीं, मैं उसके नाम से नहीं बोला था, मैं इतना बोला था कि घर ले लो है। अब जब यहाँ आया तो पता चला कि घर वो अपने नाम से ले लिया है। फिर मैं उससे बात की, अपने नाम से लेने के लिए कहा था, मैं अपने नाम से लेने के लिए कहा था, ये मेरा पैसा लगेगा तो मेरे नाम से रहेगा। लेकिन उसने कहा नहीं, हमको लोन का झांसा दिया कि लोन का नहीं होगा, इसलिए मैं अपने नाम से ले लिया। इसके बाद जब मैं लोन अदा किया तो बोलता है पेपर बना देता हूँ, उससे दोनों भाई का आधा आधा हो जाएगा। मैं उससे भी राजी हो गया। अब उसकी बीवी बोलती है नहीं, ये कागज नहीं माना जाएगा, ये तो उन्हीं के नाम से है पूरा रूम, वही कुछ करेंगे। मैं बोला ऐसा कैसा है, जब तो जो पेपर बनाया था उसको भी जाली बना बता रहा है, यहाँ ये जाली पेपर है, नहीं होगा इससे। फिर मैं क्या करूँ, मेरा समझ कुछ नहीं आता है। फिर मेरी सोसाइटी में मैं अपनी संगीता मैडम से उससे उनसे भी उनकी भी गलत साइन लेके गलत साइन करके अपने हाथ से और क्या बोलता है लोन ले लिया। तो इल्जाम इनके ऊपर लगा दिया, संगीता मैडम के ऊपर क्या बोलता है उसने वसी दिया है। और बेचारी कुछ नहीं, अपने अपने हाथ से डुप्लीकेट साइन करके और डुप्लीकेट कागज जो बैंक, जो बैंक का कागज मैंने छुड़ाया था वो कागज मेरे पास है, वो दूसरा कागज ले जाके पैसा दे के बना लिया, उससे लोन ले लिया। अब 25 लाख भी 25 लाख रुपया लोन लिया है एक बैंक से, और दूसरे बैंक से मैंने लिया है, समझे ना। ये सब कहानी है बाबू, अब क्या करें, तो समझ में नहीं आता। हमको न्याय मिल रहा है, बेटा का तो कम खराब था, बहू का इतना खराब व्यवहार था, वो चाची कभी कभी नील की गोली दे देती थी अपनी सास को है कि कैसे मर जाए। कौन सी गोली खिलाया करती थी? नील की गोली खिलाती थी। कितने दिन टाइम खिलाती थी? ये तो नहीं मालूम कितने टाइम खिलाती थी, लेकिन जब सुबह तक सोती थी नमाज के लिए उठ जाती थी, लेकिन जिस दिन देती थी उस दिन उठ नहीं पाते थे, समझे ना। इससे मालूम होता है कि वो गोली देती थी, खिलाती थी दवा का अपने हाथ से खाना चाहती थी, लेकिन आगे खिलाती थी। पता नहीं था क्या करता है, मगर जब गुजरात की पुलिस आई और पूछी उनको तब मुझे पता चला कि ये काम ये धंधा करता है। क्या चीज का धंधा करता है? चरस का, गांजा का, अफीम का, ड्रग्स का, हाँ ये सब बेचता था। कभी गांजा, कभी चरस, कभी ड्रग्स, कभी कुछ ऐसे ऐसे लाके कभी बेचता था। इसकी औरत भी गुजरात गई थी लेने के लिए एक दफा, और जब पुलिस पकड़ के ले गई, इसके बाद पुलिस पाई नहीं गुजरात वाली, फिर यहाँ तलोजा पुलिस स्टेशन, तलोजा पुलिस स्टेशन उसको पकड़ी। तो इसके बाद फिर जामीन से यहाँ छोड़ के आया है, जब से आया तब से और पागल हो गया। हम लोग से और दुश्मनी करता है, क्यों लोग तुम लोग बताए, क्यों बताए ऐसा बोल रहा है। लेकिन अभी क्या करते हैं, घर में किसी तरह रहते हैं। क्या हुआ है, क्या मामला हुआ है? बहू खाना भी नहीं देती थी, कपड़ा भी नहीं धोती थी, और झगड़ा भी करती थी, और बोलती थी बीमारी मेरे, बोलती थी नाटक है, दिमाग हम लोग की मदद करता तो उसको बोलती कि उसके ऊपर ऐप लगाई। अच्छा। हाँ, और बोली भरूंगी नहीं,
ये लोन नहीं भरूंगी तो घर से निकलना पड़ेगा। हाँ, लोन वाला आके निकालेगा जब मालूम पड़ेगा। आपको धमकी भी दिया? हाँ हाँ, बेटा बोला इतना खुश मत होना का गजरक के। हाँ, और बेटा आता था, लेकिन जो है बेटा झगड़ा करके तभी जाता था इधर से।